बार अमरीका, बार बार अमरीका, बार बार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. کیا اسرائیل بنام عرب ورلڈ یدھ شروع ہو چکا ہے؟ علی خامنئی کے خیمے میں جڑ گئی 22 آرمی، अब अमेरिका तक पहुंचेगी युद्ध की चिंगारी। युद्ध त्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेबनान में जो बारूद बरस रहा है, जैसी बर्बादी गाजा में दिख रही है, जितनी तबाही अब तक हुई वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब महायुद्ध में महाशक्तियों का आना तय हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जिसका अंत क्या हो सकता है इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इसराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इसराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इसराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم یا ایوه तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इसराइल भर के लिए नहीं है, धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इसराइल के साथ हैं और इसराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इसराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम है। यानी ईरान इसराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इसराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इसराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद से इसराइल और ईरान में युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि खामेनेई ने साफ साफ कह दिया है कि इसराइल के खात्मे तक युद्ध चलता रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इसराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे। दुश्मन मिल्लत ईरान हमुन दुश्मन मिल्लत फिलिस्तीन अस्त, हमुन दुश्मन मिल्लत लुबनान अस्त, हमुन दौलत दुश्मन मिल्लत इराक अस्त, دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است،
دشمن یکی است شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است मगर कितने देश कौन कौन हैं जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जरूरत दिखाएगा खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है इसराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं लेकिन युद्ध का जोखिम वो भी न्यूक्लियर वॉर का सारा मामला यहीं फंस रहा है खैर अभी ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने इसराइल पर हमले को जायज ठहराया है खामनेई ने नसरल्लाह और हानिया की मौत को शहादत बताया है سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود धमकियों के साथ खामनेई के भाषण में खौफ भी दिखाई दिया ईरान को डर है कि इसराइल उसके परमाणु अड्डे और तेल के कुएं जलाए जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन का प्लान अमेरिका और इसराइल मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियर साइट पर हमला होने के हालात में आर पार का युद्ध होगा जिसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर सभी अरब देशों से एक झंडे के नीचे आने की अपील कर रहे हैं हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है कई अरब देश सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर चलते हैं कुछ अरब देश तो अमेरिका के रहमो करम पर ही पलते हैं खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे और हथियार इन देशों को दहलाने के लिए काफी हैं तो फिर ईरान के साथ कितने मुल्कों की असल पावर है अरब लीग का झंडा बरदार कहा जाने वाला सऊदी अरब किस तरफ है सऊदी अरब और ईरान की कट्टर दुश्मनी है खाड़ी मुल्कों में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है सऊदी अरब इसराइल का विरोध तो करता है लेकिन युद्ध में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब का उतरना लगभग नामुमकिन है इसी तरह की उलझन संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत कतर और ओमान जैसे देशों की भी है जो फिलिस्तीन और लेबनान के हिमायती तो हैं लेकिन अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते तो आखिर बचा कौन जो ईरान के साथ युद्ध में आ सकता है अरब लीग में 22 देश गिने जाते हैं जिनमें से कई सोमालिया सूडान और जुबूती जैसे हैं, जिनके खुद के घर जल रहे हैं ऐसे ही खामनेई के बुलावे पर अफगानिस्तान और यमन जैसे तबाह हो चुके मुल्क लड़ाई में शामिल होंगे कहना मुश्किल है इसराइल के खिलाफ ईरान के धर्म युद्ध में पूरी दुनिया के मुस्लिम बहुल देश कूदने जा रहे हैं फिलहाल जिन देशों ने खुल करके इसराइल का विरोध किया है वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इसराइल से युद्ध के लिए सबसे ज्यादा फड़फड़ाता तुर्की दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसराइल को बर्बाद करने की धमकी भी दे रखी है तुर्की के पास युद्ध का पासा पलटने का दम भी है तुर्की नेटो फोर्सेस का सदस्य है जिसके इनकरलिक एयरबेस पर अमेरिका के 50 एटम बम तैनात हैं, तुर्की में रखे एटम बम को B-61 न्यूक्लियर वॉर हेड कहा जाता है अमेरिका ने तुर्की में रखे एटम बम को अपग्रेड भी कर दिया है तुर्की अमेरिका से मिले F-16 जेट से इन एटम बमों का इस्तेमाल करने की ताकत रखता है हालांकि यूक्रेन और रूस युद्ध की टेंशन के बाद से अमेरिका ने तुर्की को हथियारों की सप्लाई ठप कर दी है तुर्की को F-35 जेट और मिसाइल की डिलीवरी रोकने का फैसला अब इसराइल के हक में जा सकता है तुर्की के अलावा इसराइल विरोधी मिस्र है जो फिलहाल युद्ध की बजाय शांति की राह पर दिख रहा है